क्या क्या चल रहा है? ब्लॉग कर रहा हूँ। ब्लॉग 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 क्या होता है? ब्लॉग वीडियो होता है। वीडियो वीडियो यूट्यूब के लिए। आप किससे परमिशन लिया है? कौन सा? आप किससे परमिशन लिया है? मैं खुद को फिल्म कर रहा हूँ, मैं किसी को फिल्म नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद को फिल्म कर रहा हूँ, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आज का टूर है मैंगलोर का, हम लोग मैंगलोर जा रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ, नवीन कल जाएगा। नवीन गर्मी ने जान ले ली है, जान मतलब जान हालत खराब हो गई। हमारे साथ में आज नायला है। नायला नायला, अगर आपके अपने पेट को लेके जाना है गांव या कहीं और वायर ट्रेन इंडियन रेलवे, तो व्हाट इज द प्रोसीजर? स्टे ट्यून्ड और वीडियो एंड तक देखिएगा। व्हाट इज अप ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एंड हाउ इज एवरीवन गाइस। गाइस आज हम लोग आए LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनल। मैं अपनी नायला को लेके जा रहा हूँ साथ में, तो हम लोग उड़पी जाने वाले। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा प्रोसीजर के साथ में। नायला पानी पियो, पानी पियो, पानी पानी पियो। अभी मेरे को नायला को लेके जाना है, तो नायला को ले जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा LTT लगेज काउंटर पे। ये लगेज काउंटर, लगेज काउंटर में जाना है आपको, आपके डॉग का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना है, लेटेस्ट वाला वैक्सीनेशन सब प्रॉपर होना चाहिए। आपको आपका टिकट सबमिट करना है एंड देन आपको आपका ID प्रूफ सबमिट करना है। ट्रेन चालू होने के 3 घंटे पहले कम से कम आना पड़ेगा आपको। 3 घंटे पहले अगर आप आओगे ट्रेन चालू होने के, तो आप आराम से आ सकते हो यहाँ पे और बुक कर सकते हो। हम लोग का 3:20 का ट्रेन है, 12 बजे हम लोग आए हैं यहाँ पे और बुक कर रहे हैं टिकट। एक ट्रेन में एक ही होता है डॉग बॉक्स, तो वो आपको पहले कंफर्म करवाना पड़ेगा। अगर आपका कंफर्म नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। आप स्लीपर क्लास में नहीं लेके जा सकते हो, और ये फर्स्ट ऑप्शन है डॉग बॉक्स वाला। सेकंड ऑप्शन अगर आपको लेके जाना है, अगर आपके डॉगी को आपको लेके जाना है साथ में, आपके साथ ही में लेके जाना है आपके बर्थ में, तो आपको AC फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करना पड़ता है। अभी प्रोसेस तो चल ही रहा है अंदर, डॉक्यूमेंटेशन मैंने सबमिट कर दिया, अभी उसका वो कॉपी मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा, उसके बाद उसको डॉग बॉक्स में डालेंगे। अभी शोएब भी आया है और नवीन भी आया है साथ में। अच्छा हुआ कोई है साथ में, वरना इधर हालत ख़राब हो जाती, इतनी धूप है यहाँ पे। थोड़ा इजी प्रोसेस है, आना नहीं किसको भी, यही सजेशन दो। बॉम्बे आना अभी बहुत गर्मी, गर्मी में मत आ, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो पानी बार बार देते रहना डॉगी को अपने, वरना वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। कि हमारा 16 घंटे का जर्नी है, 16 घंटे के जर्नी में बार बार आपको पानी देते रहना पड़ेगा। आप डॉग बॉक्स में डालने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि खाना और पानी वगैरह ये आप ही को देना है। तो बड़े बड़े जो मेजर मेजर स्टेशन है वहाँ पर उतरना है आपको, फटाफट जाना है डॉग बॉक्स में और निकालना है। मैं वही करने वाला हूँ, ट्राई करूँगा जितना हो सके उतना नायला के साथ रहूँ। अकेले छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं है, बट क्या करें, मजबूरी है मेरी, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन है ऐसे रेलवे का। इतना छोटा सा डॉग है, उसको भी डॉग बॉक्स में डालना पड़ेगा। अगर आप साथ में लेके जाते हो और पैसेंजर ऑब्जेक्शन उठाता है, तो डॉग को तुरंत शिफ्ट कर दिया जाएगा डॉग बॉक्स में, विच इज़ नॉट गुड। तो बेटर है स्टार्टिंग से डॉग बॉक्स में डाल दो। और डॉग बॉक्स मैंने परसों आके देखा था, इट इज़ ओके। अभी हम लोग उसको साफ़ वगैरह करेंगे और वहाँ पे उसको नायला को बिठा देंगे, पानी वगैरह खाना वगैरह छोड़ देंगे वहाँ पे। नायला का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, 5 नंबर पे ट्रेन लगेगी हम लोग है, 1 नंबर पे हम लोग अभी 5 नंबर पे जाएंगे। गार्ड बॉक्स के पास जाके रुकना है हम लोग को। डॉग बॉक्स ऐसा देखते, 2 रिसिप्ट है, वो एक सबमिट करना है गार्ड के पास और एक हमारे पास रखना है। नायला का पूरा प्रोसीजर डन हो चुका है एंड 2 रिसिप्ट जो मिलता है वो ये है, 1 for the guard and 1 for the passenger। तो एक गार्ड को देना है और एक आपके पास रखना है। टाइम टू टाइम अपने डॉगी को आपको विजिट करना पड़ेगा। वो आदमी का ना वाइट, सुनना तो ब्लॉग बना रहा हूँ। बोलो बोलो कैसा लग रहा है गर्मी में? मज़ा आ रही है, कैसा लग रहा है नवीन गर्मी में? अभी ठंडा लग रहा है। नायला को ट्रेन में ले जाने का टोटल चार्जेस मुझे लगा है 218 रुपीज़, 218 रुपये। अगर किसी भी रीज़न से अगर आप आते हो यहाँ पे और आपका नहीं होता काम, यहाँ पे बहुत से एजेंट्स बैठे हैं बाहर, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली वो लोग आपका काम कर ही देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। मेन तो अभी हमारा कंसर्न वही है कि उसको सेफली पहुँचाना है कैसे। अब देखते हैं नायला कैसे कोपअप करती है 16 आवर्स में, उसको खाना वाना देते रहना पड़ेगा। अब मैं होप कर रहा हूँ कि मेरा जो कोच यहाँ पे लगे ना, तो वो डॉग बॉक्स जो है ना वहाँ से पास वाला कोच लगे, पास होगा तो मैं आ सकता हूँ आसानी से, वरना तो दौड़ दौड़ के आना पड़ेगा मुझे। बाजू में S12 है शायद मेरा, लेट्स सी।
कैसे जाता है गांव का टूर, आपको अपडेट देते रहूँगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करो चैनल को मेरे। मेरा भी एक्चुअली कैसा है, कल का टिकट था फ्लाइट का, जो कि अनफॉर्चुनेटली जेट एयरवेज की वजह से कैंसिल हो चुका है। और मुझे नायला को भी लेके जाना था, तो मैं फ़्लाइट में नहीं ले जा पाता जेट एयरवेज के थ्रू, तो मुझे फिर ट्रेन का करना पड़ा। आ जा बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कानपुर वाली गाड़ी पकड़ के नागपुर जाएगी। ट्रेन तो आ चुकी है गाइस, यहाँ पे गार्ड का रिजर्व बॉक्स है, गार्ड के रिजर्व बॉक्स के अंदर डॉग बॉक्स होता है। ट्रेन आ चुका है, जनरल डब्बा है हमारा पीछे वहाँ पे। अब नायला को लेके आते हैं हम लोग वहाँ पे, थोड़ा सेटिंग वेटिंग करते अंदर, पूरा क्लीन करेंगे उसको, उसके बाद नायला को बिठाएंगे। ये डॉग बॉक्स है, ये है डॉग बॉक्स, इसके अंदर डालना है हम लोगों को, निकल गया तो। ये है डॉग बॉक्स, बताओ आपके बाप। हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, खाना पानी सब सुविधा करके यहाँ पे रख देंगे। नायला बाहर है, चिल्ला रही है, बाहर है वहाँ पे चिल्ला रही है, बट हम लोग क्या है थोड़ा पानी का और खाने का इंतजाम करके रख देंगे, तो अच्छा हो जाएगा उसके लिए। पर मैंने ये सब रख दिया है इसके लिए, पेडिग्री है, चीज ठीक है। अभी थोड़ा सा पानी रखेंगे हम लोग, पानी डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा नहीं डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि आप लोग पानी वगैरह रखो डॉग के लिए, क्योंकि बहुत प्यास लगती है। और अभी ये सब मैं रख दूंगा अंदर। रख दिया है मैंने, ये तो रख दिया है, अभी गार्ड आएगा, स्लिप देना है उसको, एंड देन नायला को अंदर बिठाएंगे हम लोग। गार्ड का केबिन तो यही वाला है, देख लो। अब मेरा सामान लेके नवीन और शुएब तो चले गए मेरे बोगी में रखने के लिए, विच इज़ S12 में मेरे बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी जा रहे हैं, तो उनके साथ मैं बैठूंगा वहाँ पे, नायला को यहाँ पे छोड़ूंगा। तो वो लोग गए मेरा सामान लेके वहाँ पे छोड़ने के लिए, अभी आएंगे थोड़ी देर में। अभी गार्ड का वेट कर रहे हैं हम लोग, गार्ड का वेट करते करते गार्ड आएगा, गार्ड आने के बाद हम लोग इसको नायला को अंदर बिठाएंगे और मैं फिर S12 में जाऊँगा, तब तक वेट करते हैं। नायला जाओ अंदर, नायला गो इनसाइड, जाओ बेटा अंदर जाओ, जाओ बैठ जाएगी, हो जाएगा कंफर्टेबल तो लगेगा, कंफर्टेबल मतलब ठीक ठाक लगेगा। सब 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 कर दे रहा है, चलो अंदर जाओ, कोई से अंदर डालता चलो बेटा अंदर जाओ, इसको बात कर लो, बात कर लो ठीक है, कुछ नहीं करेगा सर। अच्छा उसको बांधना पड़ेगा अंदर, इतने में तो बाहर नहीं निकलेगा ना, अरे उसको बात ही दो यार।
मिला क्या फोटो फोटो ले रहा है कौन सा आईना बाय बाय चलो भाई टाइम तो हो गया है अभी नायला को छोड़ दिया मैंने अंदर अभी जा रहा हूँ मैं अपने बोर्ड करने के लिए फटाफट दौड़ना पड़ेगा अभी सब आए छोड़ने के लिए नायला को नायला को छोड़ने के लिए बहुत लोग आए थे इधर मेरे को छोड़ने इतने लोग नहीं आते ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है एंड नायला को बिठा दिया वहाँ पर रो रही थी बेचारी बट कुछ नहीं कर सकते नो अदर ऑप्शन इसी कूपे में हम लोगों को टिकट कंफर्म नहीं मिल जाता सीज़न चल रहा है अभी तो इसीलिए मुझे डॉग बॉक्स में डालना पड़ा उसको आज हम लोग के साथ में ये भी है देखो डक्स दो महीना का हो बैठेगा दो महीना अब तक वीडियो बनाता है कितना बनाया है वीडियो टिकटॉक 150 वीडियोस बनाए ना टिकटॉक के फैन बहुत है यूट्यूब के में मगर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर लोग हैं टिकटॉक ये बच्चे लोग हैं टिकटॉक नायला को मिलने जाना पड़ेगा बार बार लगातार क्योंकि उसका डब्बा है एकदम लास्ट और हम लोग हैं अभी S12 में तो जैसे ट्रेन रुकेगी कोई बड़े बड़े स्टॉप में तो मुझे जा जाके देखना पड़ेगा वहाँ पे ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें बस वो डरती है कभी छोड़ा नहीं उसको हम लोगों ने तो बट आदत हो जाएगी ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है उसके लिए भी और हमारे लिए भी नायला पनवेल स्टेशन आ गया एक बार पीछे जाके चेक करके आऊँगा फटाफट दौड़ना पड़ेगा फटाफट दौड़ के जाके चेक करके आता नायला कैसी है 3 मिनट का एक हॉल्ट है शायद यहाँ पे और बहुत पीछे डब्बा तो फटाफट दौड़ दौड़ के जाएगी दौड़ दौड़ के आएगी नायला पानी में तो डाला है मैंने बहुत ज़्यादा भौंक रही है मुझे शूट करने नहीं मिला क्योंकि ट्रेन का हॉल ज़्यादा नहीं है यहाँ पे अगर वहाँ पे रुक गया तो मेरा ट्रेन छूट जाएगा पनवेल चला गया बट मैं पानी नहीं दे पाया पानी का बॉटल मैंने लिया था बट पानी नहीं दे पाया क्योंकि ट्रेन चालू हो गई अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ेगा अगले स्टॉप पर अगला स्टॉप है मानगांव का विच इज़ एट 6:30 यार उसको वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए था डॉग बॉक्स की हालत ख़राब हो रही है उसकी तो और मेरी भी यहाँ पर हालत ख़राब हो रही है यार पूरा पानी मैंने उसे उधर डाला था पूरा पानी गिरा दिया है उसने पानी रखा था मैंने खाना रखा था पूरा पानी तो गिरा दिया उसने मुझे मैं पानी के लिए दौड़ के आया पानी का बॉटल लिया पर ट्रेन स्टार्ट हो गया था तो अब देखते नेक्स्ट स्टॉप पे मैं जाऊँगा वहाँ पास पानी रखूँगा वहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ पर थोड़ा टाइम मुझे रुकने मिल जाएगा तो अच्छा है क्योंकि हॉल्ट 2 या 3 मिनट का होता है 2-3 मिनट में S12 से लेके वो वहाँ तक भागना पॉसिबल नहीं है इट इज़ नॉट एडवाइजेबल मत छोड़ो अपने कुत्तों को वहाँ पर गाड़ी रुकी है रोहा स्टॉप नहीं था फॉर्चुनेटली रुक गई अनफॉर्चुनेटली नहीं बड़ा भाग भाग के आया वहाँ से S12 से पानी पिला रहा हूँ अभी इसको बहुत भोग रही है बहुत एक्सट्रीम बहुत भोग रही है ना हाँ बहुत भोग रही है ना बहुत 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 एक्सट्रीम में भौंक रही है बहुत चिल्ला अरे आदत ही नहीं है उसको उसको आदत ही नहीं हमसे अलग रहने का पहली बार है अब मजबूरी है क्या करे अभी मेरे को खुद को नहीं समझ रहा कुछ ये तो मैं फर्स्ट एसी में चढ़ गया क्या फर्स्ट एसी है ना ये एसी है ना सेकंड एसी अच्छा वहाँ पे नायला को मिलने गया था वहाँ पे अरे भाई 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 भागम भाग हो गई है S12 से भागो लगेज डब्बे में लगेज डब्बे से भागो S12 में अभी जब रिटर्न आ रहा था पानी वानी पिलाया मैंने उसको बाहर घुमाया थोड़ा अब जब रिटर्न आ रहा था तो ट्रेन स्टार्ट हो गई मैं एसी डब्बे में चढ़ा एसी डब्बे में चढ़ के फिर अंदर ही अंदर फर्स्ट एसी लेके S12 तक अंदर से अंदर आ गया अभी मगर थोड़ा सेटल हो जाएगी अभी उसको मालूम है मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी अभी पर अब जब जा रहा था तो बहुत भूख रही थी सेटल हो जाएगी तो फिर टेंशन नहीं अभी शाम हो जाएगी धूप भी कम है और 6 बजे तक तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे 6 बजे तक अगर हम लोग पहुँच गए तो फिर इतना धूप भी नहीं होता है ना सुबह तो रात का टाइम ठंडे में निकल जाएगा अभी वैसे भी मुंबई छूट गया है पीछे अभी देखता मानगांव आएगा तो मैं एक बार फिर एक राउंड मारूंगा या तो खेड़ में राउंड मारूंगा थोड़े जब भी मैं निकलूंगा अपडेट दूंगा आपको
कोल्लाड स्टेशन आया है कोल्लाड। अब मैं दौड़ के जा नहीं सकता पीछे क्योंकि पता नहीं कभी भी स्टार्ट हो सकता है क्योंकि स्टॉप नहीं है, बार बार रिस्क नहीं ले सकते। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अंदर ही अंदर एसी डब्बा कनेक्टेड है, वहाँ तक कनेक्टेड है एसी, फर्स्ट एसी तक कनेक्टेड है ये स्लीपर क्लास का डब्बा। यहाँ से टोटल 7 डब्बा है, काफ़ी दूर है। चिपलून आ गया है गाइस, अभी जा रहा हूँ मैं रिटर्न नायला के पास। थोड़ा जल्दी उतरा था, ट्रेन रुकी नहीं थी, फिर भी उतर गया ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। थोड़ा खुश हो गए, खाना वाना खिलाता होगी इसको। उसने मेरे को पता है कि उसने कुछ खाया नहीं होगा, पेडिग्री रखी गया था मैं, और उसके लिए मैं थोड़ा चिकन लाया हूँ, तो चिकन खिलाऊंगा उसको, पानी पिला रहा हूँ अभी। थोड़ा बहुत खा लीजिए, मेरे को सुकून हो जाएगा, दिल को तसल्ली भी मिलेगी। फ्राई चिकन इसको बहुत पसंद है, तो वही खिला रहा हूँ अभी। फिलहाल मुझे फिर से छोड़ना पड़ेगा, 2 मिनट का हो रहे थे, थोड़ा ज़्यादा रुक गई ट्रेन, बट नेक्स्ट स्टॉप रत्नागिरी है, अभी चिपलून है। इट इज़ 8:30 राइट नाउ। फिर चढ़ो एसी डब्बे पे और 4 डब्बा पार करके हमारा भी है 12। तो अभी खिला दिया मैंने उसको कुछ, चिकन खा लिया उसने, बाहर निकाला था, टॉयलेट वॉलेट भी चले गई, वो थोड़ा रिलीफ हो गया होगा उसको, और थोड़ी आदत भी हो गई अभी, क्योंकि अभी वो जो गार्ड था वो बोल रहा था ज़्यादा नहीं चिल्ला रही, स्टार्टिंग में बहुत चिल्ला रही थी, अभी ज़्यादा नहीं चिल्ला रही है, तो इसका मतलब थोड़ा लेवल पे आ गई। और अभी क्लाइमेट बहुत ठंडा हो गया है, खेड़ के आगे हम लोग आए थे, तो रात को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए उसको। तो मैंने अभी तक 3 राउंड मार लिया है वहाँ पर, तो सुबह तक 1-2 राउंड और मार लूँगा, अगर अभी सो जाएगी तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। आज का पूरा सफ़र भागम भागी जाएगा लगता है, 1:30 हो गया है अभी। नायला को मिलने गया था मैं, अभी ठीक है वो, ओके नो प्रॉब्लम, उसको बाहर निकाला, घुमाया मैंने थोड़ा, बट शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत कम टाइम होता है ना, तो उसमें उसको पानी देना, खाना देना, ये सब करने से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था शूट करने से ज़्यादा। और अभी 4-5 घंटे का सफ़र। क्या क्या चल रहा है? ब्लॉग कर रहा हूँ। ब्लॉग ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग वीडियो होता है, वीडियो यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के लिए। आप किससे परमिशन लिया है? कौन सा? आप किससे परमिशन लिया है? मैं खुद को फिल्म कर रहा हूँ, मैं किसी को फिल्म नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को फिल्म कर रहा हूँ ना। अरे इसमें क्या पहली बार थोड़ी कर रहा हूँ, मैं खुद को फिल्म कर रहा हूँ, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, मतलब मैं आपको फिल्म नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, सुनिए तो, किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को वीडियो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे नहीं बोल सकता, कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना, नहीं करना है, ज्यादा नहीं निकलने का, ट्रेन में नहीं निकलने का, स्टेशन में, ट्रेन में, बहुत बड़ा गलती है। अच्छा सॉरी, प्लेटफॉर्म पे फोटो निकालने में 2000 रुपया फाइन है, ऐसा पहली बार मैंने रूल सुना है, अगर ऐसा होगा तो आई एम सॉरी। चलो गाइस फाइनली उड़पी आ चुका है, नायला उधर नहीं, उधर नहीं, खड़ा बच जा,
तो फाइनली गाइस नाइला का तो घर आ गया, नाइला अब यहाँ रहेगी क्योंकि वो मेरे साथ वहाँ नहीं रह सकती जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे नाइला को यहाँ पे रखना पड़ेगा। आपको प्रोसीजर समझ गया होगा कि डॉग्स को अगर लाना है तो कैसे लाना है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। और मैंगलोर में मैं कहाँ रहूँगा, कैसे मतलब आगे का ट्रिप जाएगा, ये सब आपको डिटेल में बताऊँगा अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है तो हमेशा की तरह टिल देन बाय, टेक केयर, सी टाटा एंड मचाते रहो। चलो गाइस बाय, टेक केयर और हमेशा डॉग्स का ध्यान रखो भाई, हमारे हमारे है ना डॉग्स।